हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों सभी को नमस्कार और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है और सुपर ब्लॉग है दोस्तों, बहुत अच्छा ब्लॉग है। आप स्किप ना करें और प्रॉपरली ब्लॉग्स देखें दोस्तों। तो जो आज का ब्लॉग है हमारा, हमारे भाई दोस्तों सुरेंद्र ठाकुर जी वो घूमने गए हैं, कुल्लू मनाली हो आपका, लाहौल स्पीति, इधर वो घूमने गए हैं। तो उधर दोस्तों एक मणिकर्ण बहुत अच्छी जगह दोस्तों, और अपने आप में बहुत विशेषताएं उसके अंदर हैं। तो फ्रेंड्स, आप उसको देखें, हमारे व्यूवर्स जो वहां नहीं गए हैं, नहीं भी जा सकते हैं दोस्तों, तो आप ब्लॉग्स पर देखें उसकी वहां की विशेषता दोस्तों। और भाई ने डिटेल से वहां बता रहे हो सब कुछ, और विद फैमिली गए हुए हो। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हमारा यही रहने वाला है, आप ब्लॉग्स के मजे लीजिए और हम मिलते हैं फिर आपको ब्लॉग्स के बाद में। ओके फ्रेंड्स, ओके। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम अपने गर्मियों की छुट्टी जो बिताने हिमाचल आए हैं, अपर हिमाचल, कुल्लू लाहौल स्पीति मनाली वगैरह, आज हम मणिकर्ण पहुंचे हैं दोस्तों। आपको कुछ मणिकर्ण की खूबसूरत तस्वीरें दिखाए थे कि मणिकर्ण कितना खूबसूरत जगह है, कितनी पावन जगह है और यहाँ की क्या विशेषता है, थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको इस यहाँ की दूंगा। ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारा जो इतिहास है उसका वर्णन यहाँ पे है, हमारे आराध्य देव महादेव का भी यहाँ पे वर्णन है, हमारे सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का भी यहाँ पे वर्णन है कि वो भी यहाँ पे आए थे। इसके विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाऊंगा आपको कि यहाँ का व्यू नहीं जा रहा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू, ये नदी बह रही है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे गर्म पानी निकल रहा है। ये देखिए यहाँ पे गर्म पानी निकलता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए मंदिर है यहाँ, महादेव का मंदिर है, और ये इधर को गुरुद्वारा साहिब, सारा जो है वो गुरुद्वारा साहिब है, देख सकते हो आप। ये देखिए नदी बह रही है, सारा ये गुरुद्वारा साहिब। अब मैं आपको यहाँ की कुछ विशेषताएं बताता हूँ। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी व मणिकर्ण का इतिहास व महत्ता जो यहाँ की है, वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। यहाँ जो मणिकर्ण है तीर्थ को वेदों में हरिहर अर्ध नारी शव चिंतामणि कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के साथ 11,000 वर्ष तप किया है। एक दिन जल क्रीड़ा करते समय माता पार्वती जी की चिंतामणि नदी में गिर पड़ी, जो पताल में शेषनाग जी के पास पहुंची। भगवान शंकर जी ने गणों को मणि तलाश करने को की आज्ञा दी, और उसके बाद ना मिलने पर वह क्रोधित हो तीसरा नेत्र खोलने लगे। उनके नेत्रों से नैना देवी प्रकट हुई। दोस्तों, यहाँ से ही नैना देवी माता प्रकट हुई है, जब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। नैना देवी ने पताल में जाकर शेषनाग को मणि लौटाने को कहा, तो उन्होंने
फुंकारे द्वारा फुंकार माते हैं अनेकों मणियों के साथ चिंता मणि भेंट करती, तब से इस स्थान का नाम मणिकर्ण। अब आप देख सकते हैं कि मणिकर्ण का नाम कितना पौराणिक है और महादेव के ने जो तीसरा नेत्र अपना खोला था उस जगह को जो है वो किस तरह से यहाँ पे मणिकर्ण नाम पड़ा। मणिकर्ण का समस्त क्षेत्र गर्म है दोस्तों, बेहद अहम बात है कि यहाँ का सारा क्षेत्र जो है वो गर्म है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये अब यहाँ पे गुरु नानक देव जी के बारे, जो सिखों के प्रथम गुरु थे, उनके बारे में हम आपको यहाँ पे अवगत कराते हैं अब कि उनका इतिहास भी यहाँ पे क्या रहा। श्री नानक गुरु नानक देव जी जब संसारी की यात्रा कर रहे थे तो जीवों का उद्धार करते हुए 1574 विक्रमी संवत को भाई बालाजी और मर्दाना जी के साथ मणिकर्ण पहुँचे। किसके साथ पहुँचे? यहाँ पे भाई बालाजी और मर्दाना जी के साथ मणिकर्ण पहुँचे। यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, अब यहाँ जब पहुँचे मर्दाना जी जो थे उनको भूख लगी, तो अब उनके पास क्या था कि कुछ था तो भूख लगी, और गुरुजी ने कहा कि मेरे पास आटा तो है पर आग और बर्तन का कोई साधन नहीं है। यहाँ पे गुरुजी ने कहा कि आटा ही था उनके पास, लेकिन आटा से क्या करेंगे, रोटी तो बनानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए आग और जल का साधन चाहिए था, बर्तन चाहिए थे, तो उसका कोई साधन नहीं था। यह सुनकर गुरुजी ने उन्हें एक पत्थर हटाने को कहा। जब पत्थर हटाया तो खोलते, जब उन्होंने वो पत्थर हटाया वहाँ से कहीं से, तो उसे हटाते ही पानी का चश्मा प्रकट हुआ और गुरुजी ने रोटियाँ बनाकर खोलते पानी में, जब ये पत्थर हटाया गया तो वहाँ से बहुत गर्म पानी निकला, तो गुरुजी ने उस खोलते हुए पानी में रोटी बनाकर डालने को कहा। जब रोटियाँ डाली तो सभी डूब गई। यह देखकर वो कहने लगा, थोड़ा सा आटा था जो उनके साथ थे अपने मर्दाना जी, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आटा था उसकी रोटियां बनाई और वो भी उस कुंड में डूब गई। तो वो सोचने लगे, मर्दाना जी सोचने लगे कि अब क्या करें, हम तो भूखे रह गए। वह भी वैसा ही चला गया। गुरुजी ने कहा, मर्दाने अरदास कर कि एक रोटी भगवान के नाम की दूंगा, कि भगवान से अरदास कर कि एक रोटी भगवान के नाम पे दूंगा। अरदास करने पर सभी रोटियां बनकर ऊपर आ गई। वह भोजन करके जब वो सारी रोटियां जो है, ये जगह जो थी वो ये वाली है, आप यहाँ पे धुआं देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे उन्होंने रोटियां बनाई थी सरदाना जी ने, तो उसके बाद उनकी भूख तृप्त हुई और खुश होकर कहने लगा, गुरुजी हम यहाँ पर ठहरे हैं, आपको तो भूख लगती नहीं, मेरा काम आसानी से चलता रहेगा। गुरुजी ने कहा, यह सतयुगी स्थान है, ये सतयुगी स्थान है, इस जगह को कहा सतयुग में इस स्थान का बहुत महत्व होगा। गुरु नानक देव जी द्वारा प्रकट किए गए चश्मे में आज भी उसी तरह लंगर पकता है। मंडी निवास के दौरान 10वें गुरु श्री गुरु अपना गुरु गोविंद सिंह जी 5 प्यारों के साथ मणिकर्ण पधारे थे। दोस्तों जो 10वें गुरु रहे हैं, ये देखो यहाँ पे अभी भी गर्म पानी निकला है और धुआं आप देख सकते हैं। जो गुरु नानक देव जी ने उस समय जो है वो
यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा निकाला था, वो आज भी यहाँ पे है और यहाँ पे आज भी खाना बन रहा है। तो आप इस स्थान की महत्वता को देख सकते हैं। और सबसे और भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे दसवें गुरु गोविंद सिंह जी भी यहाँ पे अपने 5 प्यारों के साथ इस स्थान पे बहुत पधारे थे। सन 1940 में स्वर्गवासी संत बाबा नारायण, अब दोस्तों ये लेटेस्ट कहानी आपको 1940 की आ रही है। स्वर्गवासी तो उस टाइम एक बाबा थे संत नारायण हरि जी, श्री गुरु नानक देव जी के इस ऐतिहासिक स्थान की खोज करते हुए यहाँ पहुँचे। इस स्थान की सफाई करने लगे जब, तो उसके दौरान उनको ये दोस्तों मैं 1940 की बात कह रहा हूँ, जब यहाँ मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ 1940 की, जब यहाँ संत बाबा नारायण हरि जी यहाँ पहुँचे थे, तो गुरु जी ने साक्षात दर्शन देते उन्हें लंगर व निर्माण कार्य आरंभ करने का हुक्म दिया। सन 1940 यातायात का कोई साधन न होने पर और कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भी बाबा जी ने 1990 में उनके परमलोक ने भुंतर से पैदल सामान लाकर यहाँ लंगर व निर्माण कार्य का आरंभ किया। उनकी 50 साल की निस्वार्थ सेवा के रूप में आज यहाँ 7 मंजिला, ये रहे वो दोस्तों ये 7 मंजिला यहाँ जो नीचे से लेकर है ये वाली सामने आप देख सकते हैं, 7 मंजिला इमारत सुशोभित हैं। और सन 1979 में उनका परलोक से धार जाने के बाद अब इस स्थान के स्थान की मुख्य पूजा पूज्य देवा जी हैं, वह पूज्य बाबा जी के दामाद बाबा श्री राम जी यहाँ का प्रबंधन कार्य संभालते हैं, जो इस स्थान का प्रबंधन कार्य संभालते हैं। और श्री गोविंद सिंह जी के 5 प्यारों के साथ मणिकर पधारे। तो दोस्तों ये कुछ एक इतिहास रहा है यहाँ का। और अभी आरती हो रही है तो मैं अभी आरती में जा रहा हूँ, फिर आपसे बात करें। धन्यवाद। We'll be right back.
देखिए गर्म पानी, कितना गर्म पानी है यहाँ पे। यहाँ पे अंदर सारे में ही गर्म है। और सुबह 5 बजे 4 बजे खुलेगा तो देखिए गर्म पानी, ये इतना गर्म पानी है, देखो उबलता वो गर्म पानी यहाँ से निकल रहा है। ये चावल डाल के यहाँ पे, इसमें भी चावल डाले हैं, यहाँ से खाना पक के बाहर आ रहा है। चावल रख लो, अच्छा होते हैं बाइक के स्कूटर पे भी बांध सकते हैं ना। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। खुले से यहाँ बांध लो, मैं बचू बांध इधर भी। ये देखिए ऑटोमेटिक गर्म पानी है। ये खाना पक रहा है। ये कौन था जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने पत्थर हटाने के लिए कहा था, और यहीं से ही गर्म पानी उत्पन्न हुआ। सालों सालों का इतिहास है। टीचर हजरत भाई ऊपर से नहीं होते, ये देखिए अन्नू बना रही, अन्नू रानी। ये देखो अश्रित बाबू चावल बना रहा है। अश्रित इधर देखो, बाबू बाबू है, बाबू को जय करो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आशु से बोल हर हर महादेव। इधर देख, खड़ा हो जा, बोल हर हर महादेव। जय हो, जय श्री राम, जय श्री। नहीं गंदी बात है ना, गरम पानी। खड़ा बैठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो, नीचे गिरनागी मैं जा। हजरत बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, सत श्री अकाल। आशु नहीं नहीं आशीष बोल जय श्री राम। आशीष दोबारा बोल, अब बोल जय श्री राम, हर हर महादेव, बोल हर हर महादेव। Thank you.
पिछले दिन ऐसा लग रहा है जैसे आग से पानी गर्म किया। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज आपने ब्लॉग्स के मजे लिए होंगे, क्योंकि दोस्तों भाई ने वहां सभी कुछ बताया है। मणिकर्ण की जो विशेषताएं हैं सभी ने वहां पे बताई है। और पानी भी दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से उबलता है वहां पर पानी, चावल वगैरह रोटियां बनती है वहां पे, वो भी फ्रेंड्स आपने देखा होगा। आज ब्लॉग्स के दोस्तों आपने मजे लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग है हमारा, मैं इसे आप समाप्त करता हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू बहुत अच्छे आने वाले हैं। आप कंटिन्यूअस दोस्तों ब्लॉग्स देखें, क्योंकि ब्लॉग्स अब शुरुआत होने वाली है। टॉप ब्लॉग्स, बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, कंटिन्यू ब्लॉग्स देखिए आप। और फिर हम आपसे कल मिलते हैं एक नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। ओके बाय फ्रेंड्स, ओके बाय।